नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 5 दिसंबर, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार बोर्ड ने इंटर और मैट्रिक एग्जाम की डेट शीट की जारी। बिहार में पंचायत उपचुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। थानों में डिजिटल तरीके से होगी स्टेशन डायरी की एंट्री। बिहार में इस दिन खेला जाएगा प्रो कबड्डी लीग का मुकाबला। अपने फोन को हैक होने से ऐसे बचाएं। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 52 पदों पर निकली भर्ती। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा ट्रेनी इंजीनियर, प्रोजेक्ट ऑफिसर और परियोजना अधिकारी के 52 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। ऐसे में वो लोग जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, वह आधिकारिक वेबसाइट bel-india.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 दिसंबर 2023 तक निर्धारित की गई है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो ट्रेनी इंजीनियर, प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्हें किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और बोर्ड से कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, MBA या MSW में BE, BTEC या HR, प्रबंधन, औद्योगिक संबंध, कार्मिक प्रबंधन डिग्री में PG डिग्री, PG डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए एक बार जारी किए गए नोटिफिकेशन को जरूर देख लें। बिहार बोर्ड ने इंटर और मैट्रिक एग्जाम की डेट शीट की जारी। वर्ष 2024 में आयोजित होने वाले माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं विविध परीक्षाओं से संबंधित वार्षिक कैलेंडर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आधिकारिक वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जारी कर दिया गया है, जिसके तहत इस बार मैट्रिक की परीक्षा की शुरुआत 15 फरवरी से होगी, जो कि 23 फरवरी तक चलेगी। वहीं इंटर की परीक्षा की शुरुआत 1 फरवरी से होगी, जो कि 12 फरवरी तक चलेगी। बता दें कि इस दौरान अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग दिन 2 शिफ्ट में परीक्षा आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड 10वीं-12वीं परीक्षा में 30 लाख से अधिक छात्रों के शामिल होने की संभावना है। इसमें 16 लाख के लगभग मैट्रिक और 15 लाख के लगभग इंटर के परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसके अलावा आगामी वर्ष से 2 बार STET परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत परीक्षा को लेकर फॉर्म भरने की प्रक्रिया 14 दिसंबर 2023 से 28 दिसंबर 2023 के बीच चलेगी। वहीं दूसरी STET 10 सितंबर से 30 सितंबर के बीच आयोजित किया जाएगा। बता दें कि इस बात की जानकारी बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई है। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे मंदार पर्वत के बारे में। मंदार पर्वत भागलपुर से 50 किलोमीटर दूर बांका जिले में स्थित है। मंदार पर्वत को मदरांचल भी कहा जाता है। मंदार पर्वत की अपनी धार्मिक महत्वता भी है। कहा जाता है कि देवताओं ने मंदार पर्वत का उपयोग मथनी बनाकर समुद्र मंथन के लिए किया था। हिंदुओं के लिए यह पर्वत भगवान विष्णु का पवित्र आश्रय स्थल है, तो जैन धर्म को मानने वाले लोग प्रसिद्ध तीर्थकर भगवान वासुपूज्य से इसे जुड़ा मानते हैं। आदिवासी मूल के लोग इस क्षेत्र को सिद्धि क्षेत्र मानते हैं और मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व यहाँ वो पूरी रात सिद्धि पूजा करते हैं। यहाँ मकर संक्रांति के अवसर पर सबसे बड़ा संताली मेला का आयोजन होता है, जिसमें लाखों की संख्या में लोग आते हैं। मंदार की चट्टानों पर उत्कीर्ण सैकड़ों प्राचीन मूर्तियां, गुफाएं, ध्वस्त चैत्य और मंदिर धार्मिक और सांस्कृतिक गौरव के मूक साक्षी हैं। सदियों से खड़ा मंदार पर्वत आज भी लोगों के आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। इस जगह की प्राकृतिक सुंदरता और पर्वत के पास का तालाब यहाँ के वातावरण को और भी मनोहर बनाता है। यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए यह स्थान काफी सुखद अनुभव देता है। बिहार में पंचायत उपचुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में पंचायत उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, जिसके तहत नामांकन दाखिल की प्रक्रिया 9 दिसंबर से 15 दिसंबर तक की जाएगी। वहीं 16 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। इसके बाद फिर 20 दिसंबर को नामांकन पत्र वापस लिए जाएंगे और फिर 28 दिसंबर को मतदान होगा। बता दें कि राज्य भर में कुल 1675 पदों के लिए उपचुनाव होंगे। गौरतलब है कि बिहार में 2021 में पंचायत चुनाव आयोजित किया गया था, लेकिन पंच के कई पद खाली रह गए थे, जिसके बाद पंच समेत अन्य रिक्त पदों के लिए वर्ष 2022 में भी चुनाव कराया गया था। के बाद भी पंच के कई पद खाली रह गए थे, इसलिए पंचायती राज विभाग के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को रिक्त पदों पर उपचुनाव कराने की अनुशंसा की गई थी। थानों में डिजिटल तरीके से होगी स्टेशन डायरी की एंट्री। एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम यानी कि CCTNS के पोर्टल से राज्य के सभी 964 थानों को जोड़ दिया गया है। ऐसे में अब रजिस्टर पर स्टेशन डायरी मेंटेन नहीं होगी, बल्कि स्टेशन डायरी की एंट्री अब हर थाना की टीम डिजिटल तरीके से करने का काम करेगी। इसके लिए पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग भी दी गई है और साथ ही इनकी मदद के लिए IT एक्सपर्ट भी उपलब्ध रहेंगे। वहीं इसकी शुरुआत आज यानी कि 5 दिसंबर से बिहार की राजधानी पटना में हो रही और आने वाले 15 दिसंबर को इसकी
शुरुआत राज्य के अन्य जिलों में भी हो जाएगी और फिर 1 जनवरी से फिजिकल तौर पर स्टेशन डायरी लिखने की व्यवस्था पूरी तरह से बंद हो जाएगी। बता दें कि जल्द ही इसे कोर्ट से भी जोड़ दिया जाएगा, जिससे कि न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी। दी गई जानकारी के अनुसार स्टेशन डायरी को डिजिटली मेंटेन करने से एक क्लिक पर जिले के सभी SP भी इस डायरी के बड़े ही आराम से देख पाएंगे। बिहार में इस दिन खेला जाएगा प्रो कबड्डी लीग का मुकाबला। बीते 2 दिसंबर से प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन की शुरुआत हो चुकी है, वहीं इसका आखिरी मुकाबला 21 फरवरी 2024 को खेला जाएगा। ऐसे में बता दें कि प्रो कबड्डी के 10वें सीजन का कुछ मुकाबला बिहार की राजधानी पटना में भी खेला जाने वाला है, जिसके तहत पटना में कबड्डी लीग की शुरुआत 26 जनवरी से होने वाली है और 31 जनवरी तक जारी रहेगी। इसके अंतर्गत सबसे पहला मुकाबला 26 जनवरी को पटना पायरेट्स वर्सेज बंगाल वॉरियर्स और यू मुंबा वर्सेज गुजरात जायंट्स के बीच खेला जाएगा। वहीं इसके बाद 27 जनवरी को पटना पायरेट्स वर्सेज पुनेरी पल्टन और दबंग दिल्ली KC वर्सेज UP योद्धास के बीच खेला जाएगा। 28 जनवरी को तमिल थलाईवास वर्सेज यू मुंबा और जयपुर पिंक पैंथर्स वर्सेज बेंगलुरु बुल्स के बीच खेला जाएगा। 30 जनवरी को पुनेरी पल्टन वर्सेज तेलुगु टाइटंस के बीच और 31 जनवरी को जयपुर पिंक पैंथर्स वर्सेज तमिल थलाईवास और पटना पायरेट्स वर्सेज बेंगलुरु बुल्स के बीच खेला जाएगा। बता दें कि प्रो कबड्डी लीग 2023 सीजन 10 का लाइव आप स्टार स्पोर्ट्स चैनल या डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप डाउनलोड कर देख सकते हैं। आज है भैरव अष्टमी, ये है महत्व। आज यानी कि 5 दिसंबर को भैरव अष्टमी पर्व मनाया जा रहा। बता दें कि आज का दिन भगवान भैरव और उनके सभी रूपों को समर्पित होता है। मालूम हो कि भगवान भैरव के मुख्य रूप से 8 रूप बताए जाते हैं, जिनमें कपाल भैरव, क्रोध भैरव, असितांग भैरव, चंद भैरव, गुरु भैरव, संघार भैरव, उन्मत्त भैरव और भीषण भैरव के नाम शामिल है। कहा जाता है कि भगवान भैरव के भक्तों का अनिष्ट करने वालों को तीनों लोकों में कोई शरण नहीं दे सकता। काल भी इनसे भयभीत रहता है, इसलिए इन्हें काल भैरव कहा जाता है। कालाष्टमी के दिन बाबा काल भैरव की पूजा करने से जीवन के सभी संकट काल दुख दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान भैरव की पूजा करने से सभी तरह के भय से मुक्ति मिल जाती है और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। साथ ही इस दिन व्रत रखने से भगवान भैरव की कृपा प्राप्त होती है और शत्रुओं से छुटकारा भी मिल जाता है। बच्चे के जन्म से लेकर ग्रेजुएशन की पढ़ाई तक का खर्च उठाएगी बिहार सरकार। बिहार सरकार की ओर से राज्य के लड़कियों के लिए CM कन्या उत्थान योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत लड़की के जन्म होने से लेकर ग्रेजुएशन तक का खर्च बिहार सरकार की ओर से उठाया जाता है। बता दें कि इस योजना के तहत किसी बच्ची के जन्म होने पर उसका माँ बाप को पहली किस्त के रूप में 2,000 रुपए दिए जाते हैं। वहीं 1 साल पूरा होने पर आधार रजिस्ट्रेशन के समय 1,000 रुपए, 2 साल की उम्र पर 2,000 रुपए और इसी तरह बच्ची के एडमिशन से लेकर कक्षा 9 में पढ़ाई के दौरान अलग अलग चरणों में प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसके बाद 12वीं और ग्रेजुएशन पास करने पर भी सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि दिए जाते हैं। हालांकि इस योजना का लाभ पाने के लिए सरकार की ओर से कुछ पात्रता निर्धारित की गई है, जिसके तहत आवेदक बिहार राज्य की स्थायी निवासी होने चाहिए। इस योजना का लाभ एक परिवार की 2 बेटियां ही उठा सकती हैं। वहीं इस योजना का लाभ लेने के लिए जिन दस्तावेजों की जरूरत होती है उनमें आधार कार्ड, बैंक खाता, पासबुक, इंटर की मार्कशीट, स्नातक की मार्कशीट, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल है। आवेदन करने के लिए आपको https://ekalyan.bih.nic.in/ पर जाकर आवेदन करना होगा। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे रवीश कुमार के बारे में। रवीश कुमार का जन्म आज ही के दिन 1974 को हुआ था। यह एक भारतीय पत्रकार, लेखक और मीडिया हस्ती हैं। वह NDTV इंडिया के वरिष्ठ कार्यकारी संपादक थे। उन्होंने चैनल के प्रमुख वीकेंड शो प्राइम टाइम, हम लोग, रवीश की रिपोर्ट और देश की बात सहित कई कार्यक्रमों की मेजबानी की। रवीश कुमार को 2 बार वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पत्रकार के लिए रामनाथ गोयनका उत्कृष्टता पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वहीं 2022 से वह YouTube के माध्यम से दर्शकों से रूबरू हो रहे हैं। रवीश कुमार को पत्रकारिता में उनके काम के लिए रेमन मैक्सेस पुरस्कार सहित विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। वह हिंदी भाषा में प्रसारण श्रेणी के लिए रामनाथ गोयनका उत्कृष्टता पत्रकारिता पुरस्कार के 2 बार प्राप्तकर्ता रहे हैं। यह सूची पत्रकारिता के लिए गौरी लंकेश पुरस्कार, पहला कुलदीप नायर पत्रकारिता पुरस्कार, हिंदी पत्रकारिता और रचनात्मक साहित्य के लिए गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार के साथ जारी है। उन्हें इंडियन एक्सप्रेस द्वारा 100 सबसे प्रभावशाली भारतीयों की सूची में शामिल किया गया था और मुंबई प्रेस क्लब द्वारा वर्ष का पत्रकार भी नामित किया गया था। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर कुमार को भारत में उनकी आलोचनात्मक और स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए ब्रसेल्स बेल्जियम में ब्रिजे यूनिवर्सिटीज ब्रसेल्स और यूनिवर्सिटी लिब्रे डी ब्रसेल्स द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। बिहार में जमीन प्लॉटिंग के लिए इतनी चौड़ी सड़क जरूरी, तभी होगी रजिस्ट्री।
नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सचिव को एक पत्र लिख यह जानकारी दी गई है कि बिहार के नगर पालिका और शहर से सटे प्लानिंग एरिया में प्लॉटिंग के द्वारा जमीन की खरीद बिक्री या 25 डिसमिल से कम क्षेत्रफल वाले भूखंड की खरीद बिक्री के मत्स्य जीवन के सामने कम से कम 20 फुट चौड़ी सड़क छोड़ना अनिवार्य होगा। ऐसा करने पर ही निबंधन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वहीं इस पत्र में यह भी कहा गया है कि अगर किसी कारण ऐसा किया जाना संभव नहीं है तो संबंधित डीएम की लिखित अनुमति या अनापत्ति के बाद ही रजिस्ट्री की अनुमति दी जाए। विभाग की ओर से जारी किए गए पत्र में स्पष्ट कर दिया गया है कि यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा नए नगर पालिका क्षेत्रों अथवा कम विकसित आयोजना क्षेत्रों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में लेआउट की स्वीकृति कराए बिना प्लॉटिंग के आधार पर भूखंडों की खरीद बिक्री हो रही थी। अपने फोन को हैक होने से ऐसे बचाएं। बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा आईपीआरडी बिहार के तहत एक्सपर्ट जो कि पूर्व में ट्विटर हुआ करता था उस पर ट्वीट कर जानकारी दी गई है कि अपने फोन को हैक होने से कैसे बचाया जाए और मोबाइल सुरक्षा के लिए क्या तरीका अपनाया जाए, जिसके तहत आपको मोबाइल सुरक्षा के लिए अपने मोबाइल का 15 डिजिट IMEI नंबर अपने पास सुरक्षित रखे, अपने मोबाइल का पैटर्न लॉक फिंगरप्रिंट लॉक पासवर्ड सुरक्षित रखे, फोन के इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी को नियमित बैकअप रखे और कभी भी फोन के डेटा को कंप्यूटर में स्टोर करने के पहले एंटीवायरस से डाटा को स्कैन करें। वहीं मोबाइल की सुरक्षा के लिए जिन कामों को नहीं करना है उनमें अपने मोबाइल को कभी भी असुरक्षित न छोड़े, मोबाइल एप्लीकेशन की जब जरूरत न हो तो ऑफ ही रखे, किसी भी अनजान डिवाइस से अपने फोन और नेटवर्क को न जोड़े और प्ले स्टोर पर उपलब्ध सभी एप्लीकेशन पर सोच समझे बिना भरोसा न करे। सोनपुर मेला में इस बार नहीं पहुंचे हाथी और ऊंट। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला की शुरुआत हो चुकी है लेकिन इस बार इस मेले में कई जानवर ऐसे हैं जो नहीं पहुंचे हैं। बता दें कि वन विभाग द्वारा मेला में हाथी पशु पक्षी आदि खरीद बिक्री के साथ साथ उन्हें मेला में लाकर रखने की अनुमति नहीं दिए जाने के कारण इस बार मेला में पशु बाजार में हाथी और ऊंट देखने को नहीं मिल रहे। ऐसे में श्रद्धालुओं को पवित्र स्नान के दौरान या बाद में हाथियों की जल क्रीड़ा का नजारा देखने को भी नहीं मिल रहा। बता दें इस बार मेले की लाज घोड़ा बाजार के द्वारा बची हुई है। इसके अलावा मेला में बैल बाजार भी अपनी रौनक बिखेरने का काम कर रही। वहीं इस मेले में पूर्व की वर्षों की तरह इस बार भी गाय व भैंस गायब है तो वहीं बकरी बाजार की रौनक देखते ही बन रही। बकरी बाजार में जिस साइज की बकरियां हैं उसके अनुसार उनके दाम निर्धारित किए गए हैं। मैट्रिक के बाद आगे की तैयारी के लिए ऐसे पाए स्कॉलरशिप। अगर आप उन लोगों में से हैं जो बीसी और ईबीसी की श्रेणी से आते हैं और आप 2022-23 बैच में मैट्रिक की परीक्षा में सफल हो चुके हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि अगर आप मैट्रिक के बाद आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो आप स्कॉलरशिप के माध्यम से अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकते हैं। मालूम हो कि मैट्रिक के बाद आगे की पढ़ाई के लिए बिहार सरकार की ओर से आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है और साथ ही लैपटॉप और किताबें खरीदने के लिए भी सहायता दी जाती जिसे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के नाम से जाना जाता है। बता दें इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में इच्छुक और योग्य छात्र इस योजना का लाभ पाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट pmsonline.bih.nic.in पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आवेदक को मैट्रिक या इंटर की परीक्षा का अंक पत्र, अगले सत्र के लिए किए गए नामांकन की सत्यापित प्रति, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो आदि जमा करना अनिवार्य होगा और इसके साथ ही अपने वर्तमान शैक्षणिक संस्थान से इस बात को सत्यापित कराना होगा कि उनका नामांकन इस कॉलेज में है। छात्राओं को स्कूल में बर्थडे पर मिलेगा गिफ्ट, आराम करने के लिए बनेगा सहेली कक्ष। बिहार शिक्षा परियोजना निदेशक बी कार्तिकेय धनजी के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी कौशल किशोर एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान धनंजय पासवान को पत्र भेज यह जानकारी दी गई है कि बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में छात्राओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सहेली कक्ष स्थापित किया जाए जिसमें महामारी के दौरान जरूरत पड़ने पर कुछ देर तक छात्राएं आराम करके फिर से क्लास कर सके। वहीं इसके अलावा अब छात्राओं को उनके जन्मदिन के मौके पर सैनिटरी पैड व साबुन देने की भी परंपरा शुरू की जाए। बता दें इस कार्य को करने में महिला विकास निगम, यूनिसेफ एवं जन प्रतिनिधियों की भी मदद ली जाएगी। मालूम हो कि इस कक्ष का निर्माण एक महीने में पूरा कर इससे जुड़ा रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए नोडल शिक्षिका भी स्कूलों में बनाई जाएगी जो हर सप्ताह कक्ष में बच्चियों के साथ कम से कम 30 मिनट की बैठक करेगी जिसमें उनके स्वास्थ्य और समस्याओं पर चर्चा होगी। बिहार में अब बढ़ेगी सर्दी।
बिहार में अब लोगों को सर्दी सताने वाली है। बता दें कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले दो दिनों तक सुबह के समय राज्य के अधिकांश भागों में हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाए रहने का पूर्वानुमान है। इसके बाद दिनभर मौसम शुष्क बना रहेगा। मिचौंग तूफान को लेकर बिहार में भी मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार पटना सहित अधिसंख्य भागों में सुबह के समय कोहरे व धुंध का प्रभाव बना रहेगा। पटना सहित 26 शहरों के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन 6 दिसंबर को बिहार का मौसम बदलने के आसार है। इस दिन पटना सहित कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं इसके अगले दिन 7 दिसंबर को पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने पूरे बिहार में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के मुताबिक राज्य के सभी जिलों के एक या दो स्थानों पर बारिश की संभावना है। मधेपुरा में फर्जी नियोज शिक्षक गिरफ्तार। बिहार के मधेपुरा जिले के कुमारखंड पुलिस के द्वारा थाना क्षेत्र के बिशनपुर कोढ़ाली गांव में छापेमारी कर फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहे एक नियोजित शिक्षक की गिरफ्तारी की गई है। बता दें कि फिलहाल शिक्षक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। इस बारे में कुमारखंड थाना अध्यक्ष उदय कुमार के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना के पुलिस निरीक्षक शहनवाज रिवजी के आवेदन पर दर्ज FIR के आधार पर फर्जी अंक पत्र पर शिक्षक बने विकास कुमार सिंह पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। वह फर्जी अंक पत्र बनाकर बहाल हो गया था। बता दें कि नियोजित शिक्षक विकास कुमार सिंह का इंटर अंक पत्र रोल कोड 6305 रोल नंबर 10067 वर्ष 1996 प्राप्तांक 607 है और वो प्रथम श्रेणी विज्ञान संकाय से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना का अभ्यर्थी था। भागलपुर की सुष्मिता सहिला फिल्मी दुनिया में मचा रही धमाल। बिहार के भागलपुर तिलका मांझी की रहने वाली और सोनी टीवी पर आने वाली सीरियल मेरे साई कथा अनकही सहित कई सीरियल में काम करने वाले सुष्मिता सुहेला को आज किसी पहचान की जरूरत नहीं है। बता दें कि सुष्मिता सहेला के द्वारा अपने अभिनय के दम पर अपनी यह पहचान पाई गई है। अपने बारे में जानकारी देते हुए सुष्मिता बताती है कि बचपन से ही उनका सपना था कि वह एक्ट्रेस बने, लेकिन बिहार से होने के नाते वह अपने घर वालों को नहीं कह पाती थी कि उन्हें फिल्म में काम करना है, इसलिए उन्हें इसके लिए निफ्ट की मदद लेनी पड़ी। उन्होंने बताया कि यहाँ वो डिजाइनर बनी, कई एक्ट्रेस व टीवी सीरियल के कलाकार के यहाँ डिजाइन का काम किया। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपनी शुरुआत सीरियल से की और अभी वो सीरियल में काम कर चुकी हैं। वहीं उन्होंने बताया कि वो आने वाले सीरियल कथा में भी बहुत जल्द लोगों के बीच दिखेंगी। 23 दिसंबर से चाय की पत्तियों की तोराई पर रोक। चाय की गुणवत्ता और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए टी बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 23 दिसंबर 2023 से चाय की पत्तियों पर रोक लग जाएगी। बता दें कि यह निर्णय बिहार और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों पर लागू होगा। वहीं इसके अलावा बिहार में 26 दिसंबर से संचालित ग्रीन लीफ प्रोसेसिंग करने वाली टी फैक्ट्रियों पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा कई राज्य ऐसे हैं जहां यह नियम 11 दिसंबर से लागू किया जाने वाला है, जिसमें सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व दार्जिलिंग हिल्स है। इस बारे में टी बोर्ड ऑफ इंडिया के बिहार प्रभाग के प्रभारी टी डेवलपमेंट ऑफिसर मनोज महतो के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि यह निर्देश टी बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा 6 अक्टूबर 2023 को ही जारी कर दिया गया था। पटना में 7 दिसंबर को बीजेपी करेगी अंबेडकर समागम का आयोजन। बीते दिन भाजपा प्रदेश महामंत्री शिवेश राम के द्वारा प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया गया कि आगामी 7 दिसंबर को बिहार भाजपा के द्वारा बिहार की राजधानी पटना के मिलर स्कूल मैदान में संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर अंबेडकर समागम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों के बाबा साहेब अंबेडकर के अनुयायी भाग लेंगे। लेकिन उससे पहले 6 दिसंबर को प्रदेश के सभी बूथों पर बाबा साहेब अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस मनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भले ही आज कांग्रेस बाबा साहेब अंबेडकर के नाम पर राजनीति कर रही हो, लेकिन इसने ही अंबेडकर जी को लोकसभा जाने से रोका। तब जनसंघ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बाबा साहेब के साथ खड़े हुए। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। शाहजहां के छोटे बेटे मुराद ने 1657 में खुद को बादशाह घोषित किया। भारत में 1946 में होमगार्ड संगठन की स्थापना हुई। सिक्किम 1950 में भारत का संरक्षित राज्य बना। भारत ने 1971 में बांग्लादेश को एक देश के रूप में मान्यता दी। मुलायम सिंह यादव 1989 में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी इटली में, पोम्पेली और ह्यूमरोलेनियम स्थल पाकिस्तान में, शेरशाह सूरी निर्मित रोहतास का किला और बांग्लादेश में सुंदरवन को 1997 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया। भारतीय सुंदरी युक्तामुखी 1999 में मिस वर्ल्ड चुनी गई। कांग्रेस ने 2008 में अशोक चौहान को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की। भारत के क्रांतिकारियों में से एक HC दासप्पा
का 1894 में जन्म हुआ। आधुनिक पंजाबी काव्य और गद्य निर्माता के रूप में प्रसिद्ध कवि भाई वीर सिंह का 1872 में जन्म हुआ। भारत और पाकिस्तान के प्रसिद्ध उर्दू कवि जोश मलिहाबादी का 1898 में जन्म हुआ। जम्मू और कश्मीर के क्रांतिकारी नेता शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का 1905 में जन्म हुआ। हिंदी फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री नादिरा का 1932 में जन्म हुआ। गुजराती साहित्यकार रघुवीर चौधरी का 1938 में जन्म हुआ। भारत की प्रसिद्ध महिला निशानेबाज अंजलि भागवत का 1969 में जन्म हुआ। स्वतंत्रता सेनानी शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता एस सुब्रमण्यम अय्यर का 1924 में निधन हुआ। प्रसिद्ध भारतीय महिला चित्रकार अमृता शेरगिल का 1941 में निधन हुआ। भारतीय लेखक अरविंदो घोष का 1950 में निधन हुआ। प्रख्यात कलाकार तथा साहित्यकार अवनींद्रनाथ ठाकुर का 1951 में निधन हुआ। परमवीर चक्र से सम्मानित गुरबचन सिंह सालारिया का 1961 में निधन हुआ। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री एवं ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम पार्टी की प्रसिद्ध नेता जयललिता का 2016 में निधन हुआ। वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने एमएस धोनी को लेकर कहा ये। इंग्लैंड की टीम इन दिनों वेस्टइंडीज के दौरे पर है, जहां 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है। वहीं सीरीज के पहले मुकाबले में वेस्टइंडीज के द्वारा इंग्लैंड को 4 विकेट से मात देते हुए सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली गई है। वहीं इस जीत के बाद वेस्टइंडीज टीम के कप्तान शाई होप के द्वारा पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को लेकर एक बड़ी बात कही गई। उन्होंने कहा कि ये शतक जीत के उद्देश्य से था और मैं इसके लिए ही खेलता हूँ। खुशी है कि हम जीत गए। कुछ समय पहले मेरी बात एमएस धोनी से हुई थी और उन्होंने मुझसे कहा था कि आप हमेशा क्रीज पर जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा समय बिताते हो और यह बात मुझ पर हावी हो गई। शेपर्ड कमाल के फॉर्म में थे और हमने जीत हासिल की। सीरीज की शानदार शुरुआत की और लक्ष्य से अगले गेम में फिर से दोहराना चाहेंगे। उनके सलामी बल्लेबाजों ने वास्तव में अच्छा खेला। हमें अगले मैच में थोड़ा अच्छा शुरुआत करने की कोशिश करनी होगी। उन्होंने कहा कि आज मैच में हमने कुछ कैच भी छोड़े, लेकिन अगर आप दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम बनना चाहते हैं तो आपको भी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम की तरह खेलना शुरू करना होगा। वायरल क्रम में आज हम बात करेंगे 500 लोगों की जान के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं। ऐसी कड़ी में आज हम बात करेंगे 500 लोगों की जान के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि दावा किया जा रहा है कि हादसे में 500 लोगों की जान गई, सेना को बुलाया गया। पीआईबी ने ट्वीट में आगे लिखा कि यह दावा पूर्णतः फर्जी है, ऐसा कोई हादसा देश में नहीं हुआ है। लंबे ऑडियो नोट को टेक्स्ट में लिखकर देगा टेलीग्राम का ये नया फीचर। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की तरह टेलीग्राम भी एक पॉपुलर सोशल मीडिया ऐप है। ऐसे में यूजर के एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए कंपनी ने करीब 1 दर्जन नए फीचर्स ऐप में जोड़े हैं। अब आपका मैसेजिंग एक्सपीरियंस पहले से और बेहतर होने वाला है। टेलीग्राम को ही देखकर मेटा ने अपने प्रोडक्ट्स में चैनल फीचर दिया था। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने पर अब आपको सिमिलर चैनल भी दिखाई देंगे, यानी अगर आप पढ़ाई से जुड़ा कोई चैनल ज्वाइन करते हैं तो आपको इस सब्जेक्ट से जुड़े कई सारे और चैनल्स भी डिस्कवरी फीड में दिखेंगे। इसके अलावा अब यूजर स्टोरी को भी रीशेयर कर सकते हैं। हालांकि आप केवल उन स्टोरी को शेयर कर पाएंगे जिन्हें एवरीवन मार्क किया गया हो, यानी जो ओपन है। नए अपडेट के तहत अब यूजर्स स्टोरी पोस्ट करते समय इसमें वीडियो मैसेज भी जोड़ सकते हैं। वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए आपको कैमरा बटन को प्रेस करना है और आप इसे स्क्रीन में कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोफाइल कलर, चैट वॉलपेपर भी अब आप बदल सकते हैं। भारत के पहले पोलर डिमेट्री मिशन के लॉन्च को लेकर इसरो का बयान। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के द्वारा एक वरिष्ठ वैज्ञानिक के द्वारा भारत के पहले पोलर डिमेट्री मिशन के लॉन्च को लेकर जानकारी देते हुए बताया गया कि 28 दिसंबर तक देश का पहला पोलर डिमेट्री मिशन लॉन्च किया जा सकता है। इसरो के द्वारा एक बयान में बताया गया कि भारत अपना पहला एक्सरे पोलर डिमेट्री सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए तैयार है, जिसका लक्ष्य तीव्र एक्सरे स्रोतों के ध्रुवीकरण की जांच करना है। जबकि भारत में अंतरिक्ष आधारित एक्सरे खगोल विज्ञान स्थापित किया गया है, जो मुख्य रूप से इमेजिंग, टाइम डोमेन अध्ययन और स्पेक्ट्रोस्कोपी पर ध्यान केंद्रित करता है। आगामी मिशन एक प्रमुख मूल्य वर्धन प्रतीक है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं की राशि के लिए राज्य सरकार को करना होगा ये काम। केंद्र प्रायोजित योजना की राशि किसी दूसरे के खाते में न जाए, इसको लेकर सरकार की ओर से कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत अब केंद्र प्रायोजित योजनाओं की राशि रिजर्व बैंक के ई कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से जारी की जाएगी। ऐसे में इसके लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालय और राज्य सरकार के विभागों को ई कुबेर प्लेटफॉर्म पर खाता खोलना होगा और साथ ही PFMS के तहत सभी योजनाओं को SNA स्पर्श पर ऑनबोर्ड करना होगा। बता दें कि अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे शिक्षा, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, पशु एवं मत्स्य संसाधन, समाज कल्याण, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से शुरू किया जाएगा। इसके लिए केंद्र की ओर से मुख्य सचिव को भी पत्र लिखा गया है। इस नई व्यवस्था के तहत पहले से जारी राशि केंद्रीय समेकित निधि और राजकीय समेकित निधि में जमा करनी होगी, उसके बाद नई व्यवस्था के तहत राशि जारी की जाएगी।
हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, कृपया करके ये हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी पटना उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पटना उच्च न्यायालय। अगला सवाल, 26 नवंबर 2023 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए मजदूर दिवस, ऑप्शन बी रोजगार दिवस, ऑप्शन सी सेना दिवस, ऑप्शन डी कानून दिवस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कानून दिवस। अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड टूटकर किस महासागर की ओर बढ़ा है? ऑप्शन ए दक्षिणी महासागर, ऑप्शन बी अरब सागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दक्षिणी महासागर। अगला सवाल, बिहार में किन जिलों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? ऑप्शन ए बक्सर, कैमूर, रोहतास, जहानाबाद, ऑप्शन बी गया, नालंदा, वैशाली, जमुई, ऑप्शन सी गोपालगंज, सिवान, पटना, नालंदा, ऑप्शन डी पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, किशनगंज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गोपालगंज, सिवान, पटना, नालंदा। अगला सवाल, वैशाली के कुंड ग्राम में महावीर का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 470 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 540 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 589 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 613 ईसा पूर्व। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 540 ईसा पूर्व। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है बिट्टू घंघौली, गोनन शर्मा, अतीक खान, राजकिशोर महतो, राजीव कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, अनवर करीम खान, आलोक राज चौधरी, मंटू कुमार, पंकज कुमार दास, धीरज कुमार, संजीव कुमार, अरशद अंसारी, मृदुल कुमार, नेहा कुमारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, 5 राज्यों के चुनावी परिणाम को देखते हुए आपके अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन पर क्या फर्क पड़ेगा? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना न भूले। धन्यवाद।